नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास पिछले काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर, एक होम्योपैथी में एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है अवाइना सटाइवा, उसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा हमें जानकारी दें। तो आज इस वीडियो में अवाइना सटाइवा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप क्लिनिक पर आना चाहते हैं, मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिक का एड्रेस क्या है, और किस तरह से अगर आप टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो वो भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम वापस अवाइना सटाइवा के बारे में बात शुरू करते हैं। दोस्तों, अवाइना सटाइवा एक बहुत ही फेमस टॉनिक है होम्योपैथी के अंदर, और इसको एज ए जनरल टॉनिक भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शायद यही कारण है कि इसका सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लोग रूटीन में भी इसको जो है मेडिसन जो होम्योपैथी स्टोर है वहाँ से परचेज करके ले लेते हैं, और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही थी कि इसके फायदे या बेनिफिट्स क्या क्या हैं, या डोज क्या है, वो हमें थोड़ा सा बताएं। दोस्तों, अवाइना सटाइवा को रूटीन में ओट भी कहा जाता है, और सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स या अंग हैं या इसके क्या मेन यूज़ हैं, तो इसके तीन बेसिक जो मेन यूज़ हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो ये आपकी ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, ये आपकी नर्व्स के ऊपर बहुत मजबूती देता है, इसी तरह से आपकी बॉडी के मसल्स के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। यानी अगर आपको अपनी ब्रेन यानी अगर मस्तिष्क से संबंधित कमजोरी है, थकावट आपको महसूस होती है, इसी तरह से नर्व्स यानी शरीर में नसों में आपको कमजोरी महसूस होती है, इसी तरह से आपको मसल्स यानी मांसपेशियों में कोई तरह की कमजोरी या थकावट महसूस होती है, या लगता है कि आपके मसल्स प्रॉपरली बिल्ड नहीं है, डेवलप नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी नहीं है, मसल्स में वो ताकत नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वहां पर अवाइना सटाइवा एक बहुत अच्छी मेडिसिन आपके लिए साबित हो सकती है। इसी तरह से वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो बार बार अगर जो लोग बीमार पड़ते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, और बहुत से लोगों की इम्यूनिटी कम होती है इसलिए भी वो बार बार बीमार पड़ते हैं, तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो उसके लिए भी अवाइना सटाइवा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अब इसके हम कारण की बात करें कि आपके जो ब्रेन है ये क्यों वीक हो जाएगा, अवाइना सटाइवा किन लोगों को फायदा करेगी, हर तरह की जगह फायदा नहीं करती होम्योपैथी मार मेडिसिन, तो चाहे आपको ब्रेन वीक है, चाहे नर्व्स में वीकनेस, चाहे मसल्स में चाहे वीकनेस है, तो इसका कारण क्या है। देखिए, इसके कारण क्या होते हैं कि वो लोग जिनको कोई तरह के एडिक्शन यानी कोई तरह के नशे की आदत पड़ी हुई है, नशा किस प्रकार का आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है, अल्कोहल का नशा, यानी किसी भी प्रकार में आप चाहे शराब ले रहे हैं, अल्कोहल बोलें, आप बियर बोलें, कुछ भी इस तरह का ले रहे हैं, मॉर्फिन आप ले रहे हैं, यानी अगर आप अफीम या इस तरह का कोई नशा ले रहे हैं, आप जर्दा ले रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, इस तरह के अगर किसी भी प्रकार के नशे की और भी कई आप दूसरे नाम भी पुकार सकते हो, कोई भी प्रकार के नशे की आपको शरीर में आदत पड़ी हुई है, उसके कारण आपको लगता है कि आपको शारीरिक कमजोरी आ रही है, नसों की कमजोरी आ रही है, आपका मस्तिष्क कमजोर हो गया है, तो उसके लिए अवाइना सटाइवा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से वो लोग जो लंबे समय तक बीमार रहे, आपको कोई बीमारी हो गई और लंबे समय तक आपको दवाइयां खानी पड़ गई, कोई तरह का मेजर ऑपरेशन आपने करा लिया, कोई लंबी बीमारी से काम पड़ गया, उसके कारण शरीर में कमजोरी आ रही है, तो वहां भी एक अच्छी मेडिसिन है। उसी तरह से वो लोग, वो युवा पर्टिकुलरली जिनको कोई तरह की गलत आदत पड़ जाती है, जैसे मैस्टर्बेशन या सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सेस होने के कारण, अगर ऐसी किसी को तकलीफ है और उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ रही है, वो चाहे पुरुष है या चाहे महिला है, तो उसके लिए भी अवाइना सटाइवा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम के अंदर ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि किसी ना किसी प्रकार का एडिक्शन बहुत से लोग यूथ के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो चाहे गांव के हैं चाहे शहरी परिवेश के हैं, उनके नशे का नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत कॉमन हो गया कि अल्कोहल बहुत कॉमन हो गया है, शराब बियर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, गाँव के अंदर भी बच्चे कई तरह के इसमें अफीम वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, सिगरेट तंबाकू जर्दा ये चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे आपको शरीर के अंदर से खोखला करती जाती है। जब किसी भी प्रकार के आपके नशे को लेते हो तो ये आपकी ब्रेन और सारी बॉडी के अंदर एक बार आपको झूठी ताकत का एहसास करवाती है, कुछ समय के लिए आपको फील गुड करवाती है, कुछ समय के लिए आपको अच्छा महसूस करवाती है, लेकिन जितनी बार आप इस प्रकार का कोई भी नशा करते हो उतनी बार आपका शरीर कहीं ना कहीं अंदर से आपका मसल्स नर्व सब वीक होते जाते हैं, और बॉडी आप कह सकते हो अंदर अंदर खोखली होती चली जाती है। इस प्रकार की कमजोरी के अंदर ये बहुत अच्छी आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, और इस प्रकार के नशे से अल्टीमेटली आप देखेंगे कि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों से ही आपको थकावट आने लगती है, आपका दिमाग भी थका थका रहना है, शरीर के अंदर कोई ताकत नहीं महसूस हो रही है, काम करने की कोई इच्छा नहीं हो रही, अगर इच्छा हो रही है तो भी शरीर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है का वो कहीं ना कहीं खराब होने लगती है, और आपका जीवन भी खराब होने लगता है, क्योंकि उस नशे ने आपको अंदर अंदर खोखला कर दिया है, आप मानसिक रूप से भी चिड़चिड़े होने लगते हो। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है अवाइना सटाइवा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर इस तरह से आपके शरीर में
में कोई तरह की कमजोरी, थकावट या इस तरह की स्थिति रही है, अब इन्हें सटाइवा आपको जरूर लेना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों वो युवा, वो यूथ जिनके अंदर, वो चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जिनको कोई तरह की गलत आदतें पड़ गई या एक्सेस जैसे मैस्टरबेशन हो रहा है, वो लोग जिनकी सेक्सुअल लाइफ में एक्सेस हो रही है, जिनकी कम एज के अंदर कोई तरह की गलत हैबिट्स या बचपन की गलतियां बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, जिनको जो है स्वप्न दोष की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इन सब के कारण बाद में अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजुकुलेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर भी उसके कारण ओवरऑल क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका सेक्स पावर होता है वो कम होने लगता है, सेक्सुअल वीकनेस आप फील होने लगते हो। ऐसे लोगों के लिए भी अवैना सटाइवा एक वरदान की तरह साबित हुई है और आपकी जो शरीर में जो कमजोरी है और जो बाकी वीकनेस वगैरह है उसको रिस्टोर करने में आपकी मदद करती है और वापस अपनी बॉडी को आप बेटर वे के अंदर पाते हो। यानी इन धातुओं के कारण अगर आपके शरीर में कमजोरी आई है तो उसको आप इस मेडिसिन से दूर करने में आपकी डेफिनेटली मदद करती है। उसी तरह से वो पुरुष या महिला जिनको कोई तरह की लंबी बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी, हम कुछ भी नाम लें, जिसके लिए आपको लंबे समय तक कोई तरह की दवाइयां लेनी पड़ गई या इस तरह की कोई बीमारी हो गई जिसके अंदर जो है आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, खून बहुत ज्यादा गिर गया, या और कोई तरह का शरीर से आपका जो वाइटल फ्लूइड है किसी भी प्रकार का उसका लॉस हो गया, कोई मेजर सर्जरी हो गई, अगर इन सब के कारण भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर थकावट आने लगती है, बॉडी का जो एनर्जी, स्टेमिना, पावर हम जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें कम हो जाती है, उन सारी चीज़ों में भी अवैना सटाइवा बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों इसी तरह से बहुत से लोग आप देखेंगे कि उनको जो है दिमागी थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी, खास करके मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जिनका मानसिक कार्य ज़्यादा होता है, जिनको अपने माइंड को हर टाइम यूज़ करना होता है और आजकल माइंड को यूज़ करने वाले काम ही ज़्यादा है, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, या आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आपका प्रोफेशन कोई ऐसा है यानी आपका व्यवसाय ऐसा है, कोई आप कोई ऐसी जॉब में, कोई ऐसे बिजनेस में जहाँ हर टाइम आपको अपने माइंड को ही यूज़ करना होता है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के अंदर भी अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कम हो गई है, आप चाहकर भी चीजों को याद नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आप भूल जाते हैं, दिमागी थकावट अगर आपको ओवरऑल लगता है कि मैं दिमागी रूप से जल्दी थक जाता हूं और चिड़चिड़ा हो रहा हूं, या मैं याद रख पा रहा हूं तो याद करना चाहूं तो भी याद नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी चीजें हैं और इस तरह की जैसा मैंने बताया अगर वैसी पास्ट में आपकी हिस्ट्री रही है तो वहां भी अवैना सटाइवा आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से वो लोग जो बार बार बीमार पड़ते हैं, या आप देखोगे कि जो लंबे समय तक बीमार रहने से भी आपकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि जिनको बार बार इम्यूनिटी कम होती है उनको आरटीआई रेस्पिरेटरी संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो जल्दी होती है, जैसे जुकाम बार बार लगना, छींके ज़्यादा आना, जिनको कोराइजा या एलर्जिक राइनाइटिस हम एग्जैक्टली कहते हैं, यानी वो लोग जिनको बार बार जुकाम, छींक, एलर्जी ऐसा होता है लो इम्यूनिटी कारण, उनके लिए भी अवैना सटाइवा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इनको जरूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। और इनके साथ में एक विद एज, एज जैसे जैसे बढ़ती है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि एज के साथ आदमी का जो मानसिक में जो मेंटल एबिलिटी है वो भी कम होगी, यानी दिमागी रूप से भी थकेंगे, शारीरिक रूप से भी, कोई भी आदमी चाहे पुरुष है चाहे महिला है, एज के साथ उनकी वीकनेस आएगी, मसल्स पावर कम होंगे, नर्व्स के अंदर ताकत कम हो जाएगी, तो एज के साथ में जो शरीर में मानसिक और शारीरिक थकावट आती है, कमजोरी आती है और उस टाइम लगता है कि कुछ टॉनिक लिया जाए, उसमें भी अवैना सटाइवा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप एज्ड हैं और शरीर में शारीरिक या मानसिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो अवैना सटाइवा जरूर लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आप अभी तक ये समझ पाए होंगे कि चाहे पुरुष हैं चाहे महिला है, अवैना सटाइवा सभी की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, छोटे बच्चों में भी अगर एलर्जी हो रही है बार बार तो उनको आप दे सकते हैं, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज की। देखिए अवैना सटाइवा को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है जिसको हम क्यू या एमटीबी कहते हैं, और इसकी स्टैंडर्ड डोज अगर मैं एडल्ट में बात करूं तो वो है दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में 10-10 बूंद डाल के लेनी, यानी एक चाय पीने वाला कप धो के साफ सुथरा रख लीजिए, 10 बूंद उसमें मदर टिंचर अवैना सटाइवा आपने डाला, फिर उसमें गुनगुना पानी मिला दीजिए पूरे कप में और छोटी छोटी घूंट सिप बाय सिप घूंट घूंट करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपको लेना चाहिए, ये एज ए टॉनिक आपको लेना चाहिए, और रूटीन के अंदर आपके डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं एज पर नीड और सिम्टम्स, बट इस तरह के जो टॉनिक होते हैं वो यूजुअली आपको 2 से 3 महीने तक लेना चाहिए, फिर गैप दे देना चाहिए, फिर उसके बाद में आप लगभग 1 से 2 महीने का गैप देके वापस आपको अगर महसूस होता है थकावट कमजोरी वगैरह तो वापस आप इसको एज ए टॉनिक ऐड कर सकते हैं। और टॉनिक्स जो भी होते हैं इनका होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं, सेकेंडली ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया और 4-5 दिन बाद आपको लगेगा अरे यार आई एम फीलिंग वेरी गुड,
इस तरह का कोई मतलब कोई नशे वाली दवाई नहीं। बाकी जिस तरह से धीरे धीरे शरीर में कोई थकावट कमजोरी वगैरह आती है उसको धीरे धीरे आपके रिकवर करने में मदद करता है और आपकी बॉडी वापस रिकवर कर जाती है। और दोस्तों ये सब अवैना सटैवा के बारे में बात किया। और मेडिसिन अगर मैं बताऊँ कि कौन सी कंपनी की यूज़ करें, तो जैसे मैं मेरी क्लिनिक में मैं प्रिफरेबली यूज़ करता हूँ डॉक्टर रैकवैक जर्मनी के अंदर WSI यूज़ करता हूँ या SBL कंपनी को यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। आप और भी कोई अच्छी कंपनी आपके नॉलेज में तो उसकी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो मेरी क्लिनिक में यूजली यूज़ करता हूँ ब्रांड मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ही यूज़ करें। अब इसके बाद में अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, वो चाहे आपका कोई डिजीज से रिलेटेड है, तो आप जो डिजीज के बारे में आप जानना चाहते हैं मेरे YouTube चैनल पे जाके पहले उसका वीडियो सर्च करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर वहाँ पे आपको वीडियो नहीं मिलता उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में इस वीडियो में पूछ सकते हैं। तो कल जो मेरा एपिसोड आएगा आपके सवाल का 20/4/2020 को, उसका आपके सवाल के अंदर में इस वीडियो के जो कमेंट्स होंगे उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी क्लिनिक के आसपास से बिलोंग करते हैं, क्लिनिक आना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिनिक का एड्रेस भी दिया है और अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर भी दिए हैं। मेडिसिन चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पैथी की हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमेशा रहता है कि आप अपने नज़दीक में या किसी डॉक्टर से डिस्कस करके लें, तो हमेशा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो भी अवैना सटैवा के बारे में जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।